Hello students, today we will discuss the poem Macavity, the mysterious cat, a poem by T.S. Eliot. बहुत अच्छी सी पोम है ये, और जो Macavity जैसे कि मिस्टीरियस लिख रखा है, वास्तव में ये मिस्टीरियस कैट है जो कि कैट नहीं है. इस पोम में जो Macavity है वो एक क्रिमिनल है. किसके लिए Macavity यूज किया गया है? क्रिमिनल. और क्रिमिनल क्या होता है? अपराधी, यानी कि जो अपराध करता है, जो उल्टे काम करता है, चोरी वगैरह करता है, उससे हम क्रिमिनल या अपराधी कहते हैं. इसकी तुलना जो है कैट से क्यों की गई है, मतलब क्रिमिनल को कैट क्यों कहा गया है? सबको पता होगा बिल्ली जब घर में आती है तो बिल्कुल दबे पांव आती है, मतलब पता नहीं लगता किसी को, दूध जूठा कर देती है. जैसे दूध अगर कुछ भी खाली रखा हो, जो हमने कवर नहीं कर रखा, उस चीज को ये खराब कर देती है. तो इसीलिए क्रिमिनल को कैट भी कहा गया है. मैकैविटी इज ए मिस्टीरियस कैट. मैकैविटी जो है एक बहुत ही रहस्यमय बिल्ली है. ही इज कॉल्ड द हिडन पा. उसे जो है एक छुपा हुआ, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि जो चीज छुपी हुई होती है. और पा का मतलब होता है पंजा, यानी कि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस ही दिखती नहीं है, छुपी हुई है. और ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि ये जो है क्रिमिनल बहुत उच्चे दर्जे का, अव्वल दर्जे का. मास्टर किसके लिए यूज करते हैं? हम जो कुशल हो अपने काम में. तो मास्टर क्रिमिनल है, यानी कि बहुत बड़ा अपराधी है, चतुर अपराधी है. हु कैन डिफाई द लॉ. डिफाई होता है जो, मतलब एक तरह से नकार दे किसी चीज को, उल्लंघन कर दे, मतलब इस डिफाई ला, ये कानून को नहीं मानता है, कानून को तोड़ता है. डिफाई का मतलब कानून तोड़ना, एक तरह से कानून को तोड़ना या किसी चीज का उल्लंघन करना. ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. ये जो ही का मतलब कौन? Macavity. Macavity किसके लिए यूज किया गया है? अपराधी के लिए यूज किया गया है. और ये जो अपराधी है, बफलमेंट, बफलमेंट होता है एक तरह से परेशानी, परेशानी कह सकते हो या उलझन कह सकते हो, ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. ये जो है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी बन गई है. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. और जो फ्लाइंग स्क्वाड है, उड़न दस्ता जिसे हम कहते हैं, मतलब पुलिस का दल जाता है ना किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए, चार पांच पुलिस वाले जीप में जाते हैं, तो उसे फ्लाइंग स्क्वाड्स कहते हैं. डिस्पेयर यानी कि निराशा. डिस्पेयर का मतलब निराशा. ये जो पुलिस वाले जाते हैं उनको ये निराश करता है, क्योंकि ये वहां मिलता ही नहीं है. और वैन दे रीच द सीन, क्यों क्यों निराश करता है ये? क्योंकि जब भी ये सीन ऑफ क्राइम, यानी कि जहां पर अपराध हुआ है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, मर्डर हुआ, जो भी कोई है, वहां पर जब पुलिस जाती है तो Macavity इज नॉट देयर. Macavity वहां पर नहीं होता है. इसीलिए ये जो है फ्लाइंग स्क्वाड के लिए या स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, ये उलझन बन गई है उनके लिए. उलझन भी कैसे? बाफलमेंट, वैसे बाफलमेंट का असली मतलब होता है चकरा जाना. जैसे चक्कर आ जाते ना, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं, तो उसे हम बाफलमेंट कहते हैं. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. Macavity, Macavity, हर जगह इसका जिक्र होता है, इस जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन ये बहुत कुशल अपराधी है. He is broken every human law, क्योंकि इस Macavity ने हर एक जो मानवीय नियम है, ह्यूमन लॉ का मतलब जितने भी मानवीय नियम है, उन सब को तोड़ दिया है. He breaks the law of gravity. ना केवल मानवीय लॉ, इसने तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वबल. इसने तो गुरुत्व बल को, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसको भी जो है इसने नकार दिया है, ये उसको भी नहीं मानता है. His powers of levitation would make a fakir stare. अब गुरुत्व बल का किस लिए जिक्र किया गया है? गुरुत्व बल होता है जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं, ऐसे बॉल फेंके, वो थोड़ी देर में नीचे आ जाती है, इसे कहते हैं गुरुत्व बल. अब जैसे देखो, ये आदमी हवा में बैठा हुआ, ऐसा बैठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जमीन इसको अपने नीचे खींचेगी, ऐसे बैठना बड़ा इम्पॉसिबल. कई लोग यहाँ पे, ये डंडा भी नहीं होता, और ऐसे ही हवा में लहराते हुए दिखते हैं. तो ये कहता है उसकी जो पावर्स है, यानी कि Macavity की लेविटेशन, एक तरह से हवा में तैरने की, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, वो एक साधु को भी घूरने पर मजबूर कर दे. स्टेयर होता है घूरना, जो आंखें चौड़ी कर करके देखते, हैरानी से देखते हैं. एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचते हो, Macavity इज नॉट देयर. Macavity वहां पर नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लहराता लहराता पता नहीं हवा में उड़ जाता है कि जमीन के अंदर चला जाता है, पता ही नहीं लगता है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट.
आप उसे बेसमेंट में ढूंढ लो। बेसमेंट होता है जैसे कमरे के नीचे जमीन में कमरा बना दे, या नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे बेसमेंट कहते हैं। ह्यूमन लुकअप इन द एयर, आप चाहे उसे हवा में देख लो, मतलब कहीं भी ढूंढ लो, जब भी क्राइम होता है दिखता ही नहीं है ये। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, मैकैविटी इज नॉट देयर। मैकैविटी वहां पर नहीं है, मतलब पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, ढूंढती है, लेकिन मैकैविटी कहीं पर भी नहीं मिलता है। मैकैविटी इज ए जिंजर कैट। मैकैविटी जिंजर होता है अदरक, अदरक को कहते हैं। मैकैविटी एक अदरक जैसी है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, जैसे अदरक लंबी लंबी होती है और इधर उधर और थिन होती है, तो बड़ी लंबी भी है ये और थिन भी है ये। उसकी शेप बता रखी है मैकैविटी की। यू वुड नो हिम, आप उसे जानते हैं, मतलब सुखो पता है अपराध जो करता है वो कैसा होता है। इफ यू सो हिम, अगर आप उसे देखोगे, फॉर हिज आईज आर संकन इन, उसकी आंखें धसी हुई होती है, क्योंकि अपराधी प्रॉपर खाना वाना नहीं खाते, तो आंखें क्या होती है इसकी। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर पोएट कि अपराधियों की शक्ल जैसी होती है उसकी वैसे ही है। हिज ब्रो इज डीपली अलाइंड विद थॉट, वो हमेशा गहरे विचारों में होता है। ब्रो का मतलब जैसे त्योरियां पड़ी रहती हैं। हिज हेड इज हाईली डोम, उसका जो सिर होता है डोम होता है ऐसे, जो मंदिर वगैरह गुरुद्वारा वगैरह पे होता है, उसका सिर बिल्कुल डोम जैसा है। वो उसकी जो आईब्रो होती है ये जो हमारे आंखों के ऊपर होती है, वो डीपली लाइंड विथ थॉट, ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरे विचारों में है ये। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट पहन रखा है वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया। डस्टी का मतलब गंदा हो गया, फ्रॉम नेगलेक्ट, क्योंकि अपराधी अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड, विस्कर्स होते, जैसे देखो बिल्ली के ऐसे मूंछ होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विस्कर्स। यानी कि कोट भी गंदा है, उसके कपड़े भी गंदे हैं, उसकी जो मूंछें वगैरह हैं वो भी अस्त व्यस्त हैं, अनकॉम्ब्ड मतलब ढंग से नहीं है। अनकॉम्ब्ड का मतलब कंघी ना करना। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वे होता है हिलाना, वो अपने सिर को इधर से उधर हिलाता है। विद मूवमेंट्स लाइक स्नेक, जैसे सांप ऐसे ऐसे चलता है ना सांप, वो ऐसे ऐसे सिर को हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, जब आप ये सोचोगे कि वो आधा सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा बहुत ज्यादा चौकन्ना होता है। मतलब पुलिस कितनी ही कोशिश कर ले कि उसको पकड़ने की, बट वो उसको तभी पता लग जाता और तभी वहां से वो निकल जाता है। मैकैविटी मैकैविटी देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी, फॉर इज ए फियंड इन फेलाइन शेप। भाई मैकैविटी 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 जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, फियंड, फियंड होता है एक तरह से दुश्मन। इन फेलाइन शेप, बिल्ली की शेप में, फेलाइन किसके लिए यूज किया गया है, बिल्ली, वो बिल्ली के आकार में एक दुश्मन है, शत्रु है, शैतान है। फियंड का मतलब क्या होता है, शैतान, शैतान या दुश्मन कह सकते हो। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, वो एक तरह से राक्षस है। डेप्रेविटी, डेप्रेविटी का मतलब होता है एक तरह से जिसमें मोरल वैल्यूज ना पाए जाएं, यानी कि जिसमें भ्रष्टाचार ज्यादा हो, उसे हम डेप्रेविटी कहेंगे, यानी कि मोरलिटी वगैरह इसमें नहीं है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आप उसे किसी भी गली में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, आप उसे चौराहे पर भी मिल सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई क्राइम खोज लिया जाता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तब मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। कोई मैं आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, कैसे लगी कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।